यदि आपकी 7:30 की दशा चल रही है, शनि का उपाय आप कर रहे हैं और आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो आपको ये भी निश्चित करना होगा कि आपका मंगल मैलफिक नहीं होना चाहिए, मंगल दृक् भावों का स्वामी नहीं होना चाहिए, दृक् भाव में स्थित नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 भावों में स्थित नहीं होना चाहिए, उनका स्वामी नहीं होना चाहिए। यदि अगर मंगल उनका स्वामी है तो निश्चित ही मंगल की दशा, मंगल को हनुमान जी की आराधना से बल मिल रहा होगा, जो कि आपको जरूर दुष्परिणाम दे रहा होगा शनि के उपाय के साथ साथ। आप श्री कृष्ण जी की आराधना कर शनि महाराज का उपाय भी कर सकते हैं। कृष्णाय कुंतमेदिशे शर्म व्याधि विनाशाय प्रभु मामृतम प्रदे। ओम नमो भगवते कस्मे कृष्णाय कुंतमेदिशे शर्म व्याधि विनाशाय प्रभु मामृतम प्रदे।